हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। दोस्तों, आज हम आपके सामने लेकर आए हैं एक ऐसी कार जो स्टाइल और परफॉर्मेंस का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। ये है किया की तरफ से आने वाली किया सोनेट, और आइए जानते हैं इसके खास फीचर्स के बारे में और कैसे ये आपके लिए एक बेहतर चॉइस बन सकती है। तो वीडियो को थोड़ा भी स्किप ना करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये है किया सोनेट। बात करूँ इसकी एक शोरूम प्राइसिंग का, तो इसका एक शोरूम प्राइस स्टार्ट होती है 7.99 लाख से, और जो इसका टॉप एंड वेरिएंट आती है वो आती है 15.77 लाख एक शोरूम प्राइस। और इसमें आपको टोटल 30+ वेरिएंट देखने को मिल जाती है। और बात करूँ इस पर्टिकुलर मॉडल का, तो ये है किया सोनेट HTK ऑप्शनल पेट्रोल में। तो बात करूँ इसकी एक शोरूम प्राइस का, तो इसकी एक शोरूम प्राइस आती है 9.37 लाख एक शोरूम प्राइस। और चलिए फ्रंट से आपको कुछ इस टाइप का आपको देखने को मिल जाती है फ्रंट प्रोफाइल। यहाँ पे आपको किया की अगेन एक लोगो देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको कुछ सिल्वर फिलिंग्स के साथ कुछ इंसर्ट देखने को मिलेगी। हनी कॉम डिजाइन में आपको इसका ग्रिल देखने को मिल जाती है। और बात करूँ उसकी हेडलाइट सेटअप का, तो इसमें आपको हेलोजन में आपको हेडलाइट सेटअप देखने को मिल जाती है। साथ साथ आपको इसमें हेलोजन में ही आपको इंडिकेटर देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको हेलोजन में भी आपको फॉग लाइट देखने को मिल जाती है अगेन। और फ्रंट में यहाँ पे आपको फ्रंट पार्किंग सेंसर अवेलेबल है, और यहाँ पे आप नीचे इसका प्लेट देख सकते हैं किस हिसाब से है। तो कुछ इस टाइप का आपको इसका कीज देखने को मिलेगी, रिमोट कीज मिलेगी, और साथ ही साथ इसमें आपको फ्लिप कीज भी है। और बात करूं इसमें आपको 3 बटन देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन लॉक अनलॉक, और इससे आप बूट को ओपन कर सकते हैं। काफी प्रीमियम से आपको कीज देखने को मिल जाती है। और ये जो कार है ये मोस्ट वैल्यू फॉर मनी कार भी आप इसको कह सकते हैं, इसका जो वेरिएंट है मोस्ट वैल्यू फॉर मनी वेरिएंट भी है। तो फ्रंट से कुछ कार आपको इस टाइप को देखने को मिलेगी, काफी स्टाइलिश और काफी बोल्ड लुक के साथ आती है। चलिए बढ़ते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। तो साइड प्रोफाइल में आने से पहले सबसे पहले जो ध्यान जाती है वो हमारी अलॉय व्हील में। इसमें आपको डुअल टोन कलर में डायमंड कट के आपको अलॉय व्हील देखने को मिल जाती है। और बात करूँ इसकी टायर साइजिंग का, तो इसमें आपको 215/60 R16 16 इंच की आपको ट्यूबलेस टायर देखने को मिल जाती है, और काफी प्रीमियम से आपको टायर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपको साइड में बॉडी क्लैडिंग आपको देखने को मिलेगी, अगेन ब्लैक कलर में काफी खूबसूरत है। और यहाँ पे आपको फेंडर में ही आपको टर्न इंडिकेटर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और यहाँ पे आपको बॉडी कलर में आपको ORVM देखने को मिलेगी, डुअल टोन कलर है बेसिकली, बॉडी कलर प्लस ब्लैक में। और काफी यहाँ से साइड प्रोफाइल देख सकते हैं, काफी प्रीमियम सा लगेगा। और यहाँ पे आपको बॉडी कलर में ही आपको डोर हैंडल्स देखने को मिल जाती है अगेन। और चलिए बढ़ते इसके रियर साइड में, तो यहाँ पे अगर आप आएंगे तो फ्रंट में और आपको डिस्क ब्रेक देखने को मिलेगी, और रियर में आपको ड्रम ब्रेक देखने को मिलेगी। और यहाँ पे आपको एक छोटा सा सिल्वर कलर में आपको एक स्पॉइलर देखने को मिल जाती है, काफ़ी प्रीमियम सा लुक लग रहा है इस गाड़ी में इसके साथ में, और काफ़ी अच्छा कंट्रास्ट क्लियर कर रहा है। तो ये है इसका रियर प्रोफाइल। रियर प्रोफाइल में सबसे पहले जो ध्यान जाएगा इसके रियर की टेल लाइट में, अगर आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग टेल लाइट दिया गया है, जो कि LED में काफ़ी ज़बरदस्त लग रही है। और अभी की जितने भी कार देखेंगे सारा में ये वाला जो पैटर्न है वो फॉलो कर रहा है, काफ़ी प्रीमियम सा लुक लगता है नाइट में इसका लुक। और यहाँ पे आप देखेंगे तो किया की अगेन आपको लोगो देखने को मिलेगी, यहाँ पे आपको सोनेट की बैजिंग देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको रूफ में शार्क फिन एंटीना देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको एक हाई माउंट स्टॉप लाइट देखने को मिलेगी। बात करूँ इसके रियर की विंडशील्ड पे, तो यहाँ पे आपको रियर विंडशील्ड पे रियर वाइपर एंड वॉशर देखने को मिल जाती है, साथ साथ रियर विंडशील्ड पे आपको रियर डिफॉगर भी अवेलेबल है। और यहाँ पे सारा ही सेटअप आपको LED में देखने को मिल जाती है अगेन। और नीचे में यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग सेंसर देखने को मिल जाती है, और साथ साथ यहाँ पे आपको रिवर्स पार्किंग कैमरा भी अवेलेबल है। और जस्ट इसके नीचे यहाँ पे आपको 2 रिफ्लेक्टर दिया गया है, तो काफ़ी प्रीमियम से लुक आता है इस कार में आपको रियर से देखने पे। तो चलिए चलते हैं इसकी टेलगेट को ओपन करके आपको बूट दिखाते हैं। तो यहाँ पे कुछ इस हिसाब से आपको बूट स्पेस देखने को मिलेगी। बात करूँ इसकी बूट की, इसमें आपको 385 लीटर का मैसिव बूट स्पेस देखने को मिल जाती है, अगेन बहुत सारा लगेज आप इसमें रख सकते हैं। और जस्ट इसके नीचे ही यहाँ पे आपको स्पेयर व्हील देखने को मिल जाती है, स्पेयर व्हील भी आपको सेम साइज का मिल जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारे आपको टूइंग हुक वगैरह देखने को मिलेगी, यहाँ पे आप रियर में पार्सल ट्रे भी लगा सकते हैं एज अ पार्ट ऑफ एसेसरीज। और यहाँ पे आपको इसकी फ्यूल टैंक दिख जाएगी। फ्यूल टैंक कैपेसिटी की मैं बात करूँ, जिसमें आपको 45 लीटर का मैसिव फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ इस कार में आती है, जो कि अगेन इस कार की रेंज को और ज़्यादा बढ़ा देती है। तो चलिए चलते हैं इसके कार के इंटीरियर को ओपन करके आपको दिखाते हैं इंटीरियर कैसा है। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे तो डोर पैनल्स कुछ इस टाइप का आपको डार्क थीम में आपको डोर पैनल देखने को मिलेगी, काफ़ी प्रीमियम लुक के साथ में। यहाँ पे आप देखेंगे तो पावर विंडो की कंट्रोलर्स आपको देखने को मिल जाती है, साथ साथ यहाँ पे आपको सेंटर लॉकिंग के बटन देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे आपको ORVM के कंट्रोलर्स देखने को मिल जाती है, और यहाँ पे थोड़ी बहुत आपको स्पेस देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ पे एक बॉटल के लिए स्पेस दिया गया है, साथ साथ यहाँ पे आपको अम्ब्रेला होल्डर भी दिया गया है, जो कि अगेन बहुत ही अच्छी बात है। और यहाँ पे आपको एक स्पीकर देखने को मिलेगा, और यहाँ पे एक ट्विटर प्लेस किया गया है। इंटीरियर यहाँ पे कुछ इस टाइप का देखने को मिलेगी, जो सबसे पहले ध्यान जाएगा उसकी इसकी सीट के ऊपर। तो बात करूँ इसकी सीट अपोस्टी की, जिसमें आपको फैब्रिक में सीट अपोस्टी मिल जाती है, जो कि इसकी कुशनिंग काफी कमाल की है, काफी कंफर्टेबल है। अंदर थाई सपोर्ट भी इस कार में बहुत ही अच्छा आपको मिलने वाला है, तो लॉन्ग ड्राइव में आपको थोड़ा भी प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। अगेन जैसे कि ये मैनुअल कार है, तो इसमें आपको 3 पैडल्स देखने को मिल जाती है, एक्सेलेरेटर ब्रेक और क्लच का, और यहाँ पे आपको एक छोटा सा डैड पेडल भी दिया गया है। और चलिए इसके अंदर चलते हैं, और उससे पहले यहाँ पे देखिए कुछ इस टाइप का आपको कीज को प्लेस करना पड़ेगा।
और यहाँ पे आपको कुछ बटन देखने को मिल जाती है, हेडलाइट लेवल की एडजस्टिंग के लिए कुछ बटन है, यहाँ पे इंजन स्टार्ट ऑन ऑफ का बटन देखने को मिलेगा, ट्रैक्शन के कुछ बटन आपको देखने को मिलेगी। और बात करूँ इसकी एसी वेंट्स, देख सकते हैं डुअल कलर में बहुत ही प्रीमियम सा अलग ही लेवल का एक एसी वेंट्स आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर और वहाँ पे आपको दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स ये है किया सोनेट की डैशबोर्ड, आप देख सकते हैं काफी प्रीमियम सा डैशबोर्ड आपको देखने को मिलेगी, काफी प्रीमियम सा। और यहाँ पे सबसे पहले ध्यान जाए कि इसकी इंफोटेनमेंट सिस्टम में, तो इसमें आपको 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है जो सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल कार प्ले। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे आपको बटन्स देखने को मिलेगी इंफोटेनमेंट सिस्टम में, और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप यहाँ से भी बेसिकली देख सकते हैं। और उसके जस्ट नीचे आप आएंगे तो इसमें आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल देखने को मिलेगी, साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सारे से बटन्स मिलेंगे। सेंटर में यहाँ पर आपको हैजार्ड लाइट की बटन देखने को मिल जाती है अगेन। और इसके जस्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको 12 वोल्ट की एक सॉकेट देखने को मिलेगी, और बगल में आपको USB-C टाइप USB-A टाइप की भी आपको यहाँ पे एक सॉकेट देखने को मिलेगी। तो चार्जिंग से रिलेटेड इस कार में आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, साथ साथ नीचे में आपको थोड़ा बहुत स्पेस आप अपने फोन वगैरह को भी रख सकते हैं। तो जैसे कि ये मैनुअल कार है तो इसमें आपको 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स देखने को मिलेगी। सेंटर कंसोल इस गाड़ी का बहुत ही प्रीमियम से लगेगा, ब्लैक एंड सिल्वर फिनिश में काफी डिसेंट सा है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो 2 कप होल्डर दिया गया है, और यहाँ पे आपको एक मैनुअल में पार्किंग ब्रेक देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आपको एक सेंटर में आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलेगी। और बात करो इसके आर्मरेस्ट का, तो इसमें आपको थोड़ा बहुत स्टोरेज भी मिल जाती है कि अपने फोन वगैरह वॉलेट वगैरह को भी आप यहाँ पे रख सकते हैं। तो ये है इसका स्टेयरिंग व्हील। बात करो इसकी स्टेयरिंग व्हील का, तो इसमें आपको पावर स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी, काफी प्रीमियम सा है। और इस साइड में देखेंगे तो इसमें आपको बहुत सारे स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स देखने को मिल जाती है, साथ इसमें आपको आप मीडिया के कंट्रोलर्स है कुछ। इस साइड में आपको देखेंगे तो यहाँ पे आपको MID की कुछ कंट्रोलर्स देखने को मिलेगी, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कुछ कंट्रोलर्स देखने को मिलेगी, काफी प्रीमियम सा आपको इसका स्टेयरिंग व्हील देखने को मिलेगी। एनालॉग प्लस डिजिटल में आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर देखने को मिलेगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो जो फ्यूल का जो लेवल देखने के लिए वो आपको एनालॉग में मिलेगा, साथ साथ यहाँ पे टेम्परेचर मीटर वो भी सारा कुछ एनालॉग में, और यहाँ पे आपको RPM मीटर भी एनालॉग में, और यहाँ पे आप देखेंगे तो स्पीडोमीटर आपको डिजिटल में दिया गया। साथ साथ आपको यहाँ पे अगेन एक छोटा सा डिस्प्ले देखने को मिलेगी जिसके अंदर बहुत सारा इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं, जैसे कि आउटसाइड टेम्परेचर वगैरह, किलोमीटर वगैरह, ट्रिप ए ट्रिप बी वगैरह, बहुत सारा चीज आप इसमें देख सकते हैं। साथ साथ इसमें आपको एवरेज फ्यूल कंजप्शन, डिस्टेंस टू एम्प्टी, लो फ्यूल लेवल वार्निंग, गियर्स इंडिकेटर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम, जैसे बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आप इसमें यहाँ पे देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको इसका ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, ग्लव बॉक्स डिसेंट सा है, काफी स्पेसियस है, इसमें आपको बहुत सारा सामान भी अट सकता है। बात करूँ इसके डैशबोर्ड का, तो आपको यहाँ पे हार्ड प्लास्टिक का यूज किया गया है, प्लास्टिक का क्वालिटी काफी अच्छा है। और यहाँ पे आपको मैनुअल IRVM देखने को मिलेगी, और यहाँ पे आप देखेंगे तो सेंटर में आपको रीडिंग लैंप देखने को मिलेगी जो कि अगेन हैलोजन में, और यहाँ पे आपको सनग्लास होल्डर देखने को मिलेगी जो कि अगेन बहुत ही अच्छा चीज है। और जो सबसे खास बात है इस गाड़ी में, जो सबसे अलग बनाती है, वो है इसका सनरूफ। आप देख सकते हैं इसमें आपको सनरूफ भी मिलता है जो कि अगेन 1 टच से ये ओपन हो जाता है, जो कि अगेन बहुत ही प्रीमियम है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं डिसेंट साइज सा है, और ओपनिंग इसका काफ़ी बड़ी है, आप देख सकते हैं वाइड ओपनिंग के साथ में है, और यहाँ से आप 1 टच से आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं। और जो इसका कर्टेन है उसको आपको मैनुअली क्लोज करना पड़ेगा यहाँ से। तो चलिए चलते हैं इसके रियर साइड एंड वहाँ पे आपको दिखाते हैं वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ देखने को मिलेगी। तो सबसे पहले ये है इसका रियर डोर, और रियर डोर्स देख सकते हैं काफ़ी प्रीमियम सा है, यहाँ पे आपको डार्क टोन में दिया गया है। और सबसे खास बात इसमें आपको रियर विंडो में रियर कर्टेंस देखने को मिलेगी जो कि अगेन कंपनी फिटेड है और काफ़ी प्रीमियम सा है फीचर्स। और यहाँ पे आपको पावर विंडो के कंट्रोलर्स देखने को मिलेगी, थोड़े बहुत आपको यहाँ पे स्पेस देखने को मिलेगी, और साथ साथ इससे आपको सिल्वर में आपको डोर हैंडल देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ पे एक स्पीकर आपको देखने को मिलेगी, एक यहाँ पे आपको बॉटल होल्डर दिया गया है, और कुछ इस टाइप का आपको इसका रियर में इंटीरियर देखने को मिलेगी। बेंच टाइप का आपको सीट मिलने वाली है, और सीट की कुशनिंग काफ़ी कमाल का है इसमें, और अंदर टायर सपोर्ट भी इसमें डिसेंट सा मिलेगा। और यहाँ पे आपको कुछ इस टाइप का आपको सीट देखने को मिलेगी, इसमें आपको फिक्स्ड हेडरेस्ट देखने को मिलेगी, सेंटर में कोई भी ऐसा आर्मरेस्ट वगैरह नहीं है। और ओवरऑल इसमें आप देखेंगे तो सबसे अच्छी बात क्या है कि इसमें आपको रियर में 2 AC वेंट्स देखने को मिलेगी, अगेन यहाँ पे एक सिल्वर इंसर्ट के साथ में, और यहाँ पे आपको 2 टाइप सी एक चार्जिंग पॉइंट देखने को मिलेगा, थोड़ा बहुत स्पेस अपने फ़ोन वगैरह को आप यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। और यहाँ से आप देख सकते हैं कुछ इतना बड़ा आपको विंडो देखने को मिलेगी, काफ़ी बड़ा है तो व्यूज़ बाहर का बहुत ही अच्छा सा आएगा यहाँ पे। और यहाँ पे एक ग्रैब हैंडल देखने को मिलेगी सॉफ्ट क्लोजिंग के साथ में, और यहाँ पे सेंटर में आपको एक रीडिंग लैंप देखने को मिलेगी जो कि अगेन हैलोजन में है। और रियर सीट से कुछ इस टाइप का आपको डैशबोर्ड देखने को मिलेगी, डैशबोर्ड काफ़ी प्रीमियम लगेगा आपको रियर सीट से देखने में। तो चलिए चलते हैं इसके बोनेट को ओपन करके आपको इंजन दिखाते हैं कि इंजन किस हिसाब से प्लेस किया गया है। तो यहाँ पे आपको बोनेट ओपन करने के कुछ लीवर देखने को मिलेगी। तो ये है किया सोनेट की इंजन। बात करूँ इंजन के स्पेसिफिकेशन की, तो इसमें आपको 1.2 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम 4 सिलेंडर इनलाइन पेट्रोल इंजन मिलती है जो प्रोड्यूस करती है 82 BHP पावर का 6000 RPM पे और 115 न्यूटन मीटर का टॉर्क 4200 RPM पे। इसमें एक और इंजन ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है जो कि है 1 लीटर स्मार्ट स्टीम 4 सिलेंडर इनलाइन टर्बो पेट्रोल इंजन जो प्रोड्यूस करती है 118 BHP पावर 6000 RPM पे और 172 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1500 to 4000 RPM पे।
और इसमें एक फर्दर एक डीजल इंजन का भी ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि अगेन है 1.5 लीटर का स्मार्ट स्ट्रीम 4 सिलेंडर इनलाइन डीजल इंजन, जो प्रोड्यूस करती है 114 bhp पावर 4000 rpm पे और 250 न्यूटन मीटर का टॉर्क 1500 to 2715 rpm पे। बात करो इस कार की डायमेंशन की, तो इसमें आपको 3995 mm की लेंथ मिल जाती है, 1790 mm की विड्थ मिल जाती है, हाइट इस कार का 1610 mm का है और व्हीलबेस की मैं बात करूं इसमें आपको 2500 mm का व्हीलबेस मिल जाती है। बात करो इस कार की कलर ऑप्शन का, तो इसमें आपको 7 कलर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाती है, जो कि है ऑरोरा ब्लैक पर्ल, प्यूटर ओलिव, इंपेरियर ब्लू, ग्रेविटी ग्रे, स्पार्कलिंग सिल्वर, इंटेंस रेड और क्लियर व्हाइट। ये जो सामने आप मॉडल देख रहे हैं ये है इंटेंस रेड। सेफ्टी फीचर्स की मैं बात करूं तो इसमें आपको 6 एयरबैग मिल जाती है, उसके अलावा इसमें आपको एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक फोर्स डिस्ट्रीब्यूशन, ब्रेक असिस्ट, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हील होल्ड कंट्रोल जैसे बहुत सारे फीचर्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स फर्दर इस कार की वारंटी की मैं बात करूं तो इसमें आपको 3 इयर्स विद अनलिमिटेड किलोमीटर की आपको वारंटी मिल जाती है। और एक बार मैं इस शोरूम का आपको एड्रेस बता देता हूं कि मैं इस वक्त खड़ा हूं एलिगेन किया, जो है नियर भूतनाथ मंदिर चास बोकारो झारखंड में, और मैं डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर एड्रेस विद फोन नंबर आपको दे दूंगा, ताकि आपको फर्दर इस कार से या फिर किया की कोई भी कार से रिलेटेड कोई भी क्यूरीज हो या फिर किसी भी कार को आपको परचेस करना हो तो आप वहां पे जाके बेहिचक कॉन्टेक्ट कर सकते हैं और अपने डील को बुक भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये थी हमारी आज की खास मुलाकात किया सोनेट के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई और अगर आप भी ऑटोमोबाइल की दुनिया में अपडेट रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल एक्सप्लोर ऑटो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। यहाँ हम लाते हैं हर नई और चर्चित गाड़ियों का डिटेल रिव्यू, जो आपकी अगली गाड़ी को पसंद करने में काफी हेल्प करेगी। तो चलिए आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।